चीन समेत अन्य देशों में जब कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो भारत में इस संक्रमण से लड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश दमन के मारवाड़ सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से एम्बुलेंस से लेकर कोरोना मरीजों से लेकर कोविड वार्ड तक की सभी तैयारियों को परखा गया। सीएमओ डॉक्टर शैलेश रेलेका के नेतृत्व में स्टाफ ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर, बेड और दवा जैसी जरूरी तैयारियों की जांच की गई। पूरे देश के बाहर बहुत सारे कोविड के केसेस हो रहे हैं, इसलिए हमारे देश में किस तरह की तैयारी है वो देखने के लिए हमको गाइडलाइन थी कि एक बार मॉक ड्रिल करके देखा जाए कि हम कितने तैयार हैं। इसलिए हमने जो एक्टिव मैनेजमेंट का जो ड्रिल होता है वो करके देखा है, हॉस्पिटल की कितनी तैयारी है वो देखने के लिए। उस तरफ से हमारा हॉस्पिटल का प्रिपेयरनेस मालूम पड़ता है, हमारा कितना मटेरियल है हमारे पास, जितने ऑक्सीजन के बेड है वो सब हम चेक कर रहे हैं, और इसके लिए आज का ये एक्टिव मॉक ड्रिल रखा हुआ था। तो यहीं पे हॉस्पिटल में ही मॉक ड्रिल हो गया ऑलरेडी। आज कोविड 19 की सुविधा के लिए देखो, हमारा टीयर 3 लेवल का सर्विस है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसमें मेनली जो ऑक्सीजनेटेड बेड रहते हैं, आईसीयू रहते हैं, ये सब देखा जाता है। तो हमारे पास 50 बेड्स हैं अभी एक्टिव ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास वेंटिलेटर्स भी जो ज़रूरी होते हैं वो है, 25 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं, और सभी बेड्स ऑक्सीजनेटेड हैं, और बाकी ट्रेन स्टाफ है, बाकी जो मटेरियल जैसा रहता है, पीपीई किट है, इंजेक्शंस हैं, फिर हैंड सैनिटाइजर्स हैं, वो सब मटेरियल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑलरेडी इधर है। एक तो हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का सप्लाई है, और रूटीन सप्लाई के लिए हमारे पास पीएसए ऑक्सीजन का जो मशीन है, प्रधानमंत्री पीएम केयर में आया था, वो भी चल रहा है। और उसके अलावा जो इमरजेंसी में कहीं पे अगर सिलेंडर की जरूरत पड़ी है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर, छोटे और बड़े दोनों साइज के सिलेंडर्स भी हैं। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।